बहुत दिनों से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कोई इंस्टा पे कमेंट कर रहा है तो कोई यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ, आपने यूट्यूब से कितने पैसे कमाए, आपका कितना डॉलर बना, और इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी पूछ रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से मिला करते, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। सो दोस्तों ये वीडियो होने वाला है बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल, तो आप इस वीडियो को ना स्किप बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट ना भर भर के आ रहे हैं जिससे हमें बहुत ही खुशी मिल रही है। तो कोई इंस्टा पे कमेंट कर रहा है तो कोई यूट्यूब पे कर रहा है, तो अगर आप अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया ना तो आप वहाँ जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टा आईडी है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वैसे हम बता दे रहे हैं सुनीता जर्नी ब्लॉग मेरी इंस्टा आईडी भी है, तो आप सर्च भी कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट ये है, कुछ हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ हमारे प्रोफेशनल लाइफ यानी कि यूट्यूब जर्नी के बारे में। तो ये हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी ने हमें कमेंट किया था कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी क्वालिफिकेशन से। दोस्तों मेरा जो क्वालिफिकेशन है ना, हमने बीएससी कर रखी है और इसके साथ साथ हमने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो कि 2 साल का होता है और इसमें पढ़ाई की जाती है विजुअल इम्पेयर्ड जो चाइल्ड होते हैं ना, जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं जिनको जो देख नहीं सकते हैं, तो उनको पढ़ाने की हमने 2 साल की ट्रेनिंग ली है। वो आप देखते होंगे ना कि वो टच करके पढ़ते हैं, और आप अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं वहाँ पे नंबर वगैरह जो भी चीज़ें होती है जो भी लिखी होती है ना वहाँ पे डॉट 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 आपको दिखाई देता है, तो वो ब्रेल लिपि होती है, तो ब्रेल लिपि भी हमने सीखी है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मतलब बहुत सी सारी चीज़ें सीखी है, तो उसकी ट्रेनिंग ले रखी है। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन। और अगर हम बात करें ना इसके आगे की, तो हमने सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी हमने क्वालिफाइड कर रखा है, और इसके साथ साथ यूपी टेट भी क्वालिफाइड कर रखा है, और सुपर टेट का वेट कर रहे थे बट वैकेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी यूट्यूब। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो चलिए हम बता ही देते हैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, एक्साइटमेंट है, तो ठीक है हम बताते हैं आपको कि हम गोरखपुर साइड से बिलोंग करते हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है ना वो संत कबीर नगर है। कबीर दास जी के बारे में अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो जानते ही होंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर नहीं जानते हैं तो आप कबीर दास जी की जीवनी। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैम आप शादी कर कब कर रहे हो, तो शादी का तो फिलहाल अभी कोई इरादा नहीं है। बहुत सारे लोगों का पता है कमेंट, जब से मनोज भैया ने शादी कर ली बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैम आप शादी कब कर रहे हो, आप किसी बड़े यूट्यूबर से शादी कर लो। अरे भैया बड़े यूट्यूबर से शादी करने में कोई ट्रेंडिंग में नहीं आएगा, बात ये होती है ना, बड़ा यूट्यूबर पहली बात कि हमसे क्यों शादी करेगा, और दूसरी बात कि अगर हम मनोज डे और ज्योतिष श्री की बात करें तो वहाँ पे उनका जो रिलेशनशिप है ना वो 3 या 4 ईयर से चल रहा है, वो एक दूसरे को लाइक करते थे, एक दूसरे से लव करते थे, उसके बाद उन्होंने शादी करी है जिससे वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें ना तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है और अभी तक ऐसा कोई भी रहा। अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनली, मतलब हमारे यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है कि नहीं अभी तक। तो दोस्तों हम आपको ये बता दें कि मेरा जो चैनल है ना वो अभी तक मोनेटाइज हो चुका है, तो मेरी खुशी में आप भी खुश हो सकते हैं। तो ये है आपकी खुशी और मेरी खुशी कि मेरा चैनल मोनेटाइज है। तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है ना मोनेटाइजेशन के बाद में कि दीदी अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आपका डॉलर कितना बना। तो मेरा डॉलर कितना बनाना, इसके लिए आपको हमारी वीडियो का वेट करना पड़ेगा, और वो हम वीडियो ना प्रॉपर आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही कमाल की धमाल की बना करके देने वाले हैं। तो उसमें हम आपको दिखाएंगे हमारा डॉलर कितना बना, तो आपको ना थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अगर आप सब्र कर सकते हैं ना तो फिर आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अब है एक्साइटमेंट खूब का है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो अगर आप भी एक क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, या फिर किसी बिजनेस लाइन में या किसी भी फील्ड में आप हो ना, वहाँ पे ये लाइन जो है ना बहुत ही ज़्यादा अहमियत निभाती है। तो इस लाइन पे आप ज़रूर गौर फरमाइएगा। सही बात है, ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है, और सब्र जो पेशेंस है ना वो हमारे जीवन में ना बहुत ज़्यादा अहमियत निभाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में जो हमें नज़रअंदाज भी करना पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लाइन ना हमें बहुत 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 अच्छी लगती है। तो इसे आप अगर अभी तक फॉलो नहीं करते हैं ना तो इस लाइन को भी आप ज़रूर फॉलो करिए, तभी आप अपने लाइफ में आगे। तो तीसरा क्वेश्चन ये बनता है ना कि मैंने अपनी यूट्यूब से कितनी कमाई करी है।
तो हमने ना अभी तक YouTube से बहुत सारी कमाई कर चुकी है। अगर हम पैसे की बात करें ना तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ हमें YouTube जर्नी में सीखने को मिला। कैसे लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे तरीके सीखने को मिला, बहुत सारे लोगों से मिलने को मिला और बहुत सारे लोगों के बारे में जानने को मिला, जो कि जो अगर हम अपने इस YouTube जर्नी के एक्सपीरियंस की बात करें ना, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं और हमेशा हर कदम पे ना आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे अगर हम अपनी केस में बात करें, हमें नहीं पता आपके बारे में, लेकिन अगर हम अपनी केस में बात करें ना, तो हमें हर कदम पे लोगों का सपोर्ट मिला। जिससे भी हम अगर कुछ कहते हैं ना, वो हमें सपोर्ट ज़रूर करता है। तो ये मेरे लिए है एकदम बढ़िया वाला। तो ये सारे क्वेश्चन आपके थे जो हमने आपको बता दिया। बाकी आपका ना जो कमेंट आता है ना, वो देख करके ना बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे, हम इतने खूबसूरत तो ऐसे हैं नहीं कि आप लोग हमारी शक्ल देखने आते हैं, है ना? तो आपको हमारे अंदर क्या क्वालिटी नज़र आती है जिसकी वजह से आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताना। और आपको किस टाइप की वीडियो वैसे पसंद आते हैं, किस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं, ये भी आप ज़रूर बताना। क्योंकि ना फिर इससे हमें थोड़ी सी आसानी होगी कि आपको क्या आप चाहते कि आप देखना क्या चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो आप कमेंट ज़रूर करना। और वैसे ये जो हमने लाइन उठाई थी ना खूबसूरती वाली, कि हम इतने खूबसूरत तो है नहीं जो आप हमारी शक्ल देखने आते हैं, ये मेरी लाइन बिल्कुल नहीं थी। ये वो बाबा जी है ना, यूट्यूब वाले बाबा जी, उनकी लाइन हमने उठाई थी, लेकिन ये हमें लाइन बहुत ही अच्छी लगी जिसकी वजह से उठाई थी। और ये रियलिटी है, आप हमें देखने बिल्कुल नहीं आते क्योंकि हम इतने खूबसूरत तो है नहीं, ये भी रियलिटी है। दूसरी बात, अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी होगी, कोई स्किल होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगता है कि हाँ हमें ये वीडियो देखनी चाहिए, इस लड़की की वीडियो देखनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे देखने आते हो। तो वही चीज़ जस्ट नॉर्मल सिंपल आपको बस वही बताना है हमें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आ गई है ना, तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ना, तो कर लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलने वाली है आपको। जस्ट मजाक था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।